यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। यह सूबेदार दलबीर सिंह की जिंदगी की असली घटनाएं दर्शाती है, जिसमें सन 2006 में उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और किस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई करी और असमर्थ रहे। इस फिल्म का मकसद किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है, यह सिर्फ सच्चाई दर्शाती है। दलबीर सिंह, आपको सेना में कायरता दिखाने के जुर्म में बर्खास्त किया जाता है और इसी के साथ आर्मी एक्ट 34C के तहत 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। आपको सेना में कायरता दिखाने के जुर्म में बर्खास्त किया जाता है 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। दलबीर सिंह, आर्मी एक्ट 34C के तहत के जुर्म में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। ये देखो आ गए देश के दुश्मन। अरे यार किसी शक्ल देख ली सुबह। ऐसे लोगों को आर्मी से ही नहीं देश से ही निकाल देना चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं सूबेदार साहब जी कि जल्दी से वक्त निकले और हम घर को जाएं। क्यों, ड्यूटी से मन भर गया क्या? ड्यूटी तो बहुत अच्छी लगती है सूबेदार साहब जी, पर रोज रोज की दाल रोटी से पक गया हूँ। पता ही नहीं चलता कि पानी में दाल है कि दाल में पानी है। पर सरकार हम तो इश्क कर बैठे हैं इन हथियारों से और सरहद से। आर्मी ऑफिसर को अपने फर्ज का, अपने कर्तव्य का
हमें इसका पालन करना चाहिए। कभी भी अपने फर्ज से दूर नहीं भागना चाहिए। दलबीर सिंह, आपको सेना में कायरता दिखाने के जुर्म में बर्खास्त किया जाता है और इसी के साथ आर्मी एक्ट 34C के तहत 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। अरे भाई जरा 1 किलो चीनी कर देना। माफ करना दलबीर भाई, तुम्हारे जैसे भगोड़ों के लिए मेरी दुकान में कोई सामान नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे से मत आना। ये देखो आ गए देश के दुश्मन। तुम्हारे लिए मेरी दुकान में कोई सामान नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, आगे से मत आना। अरे यार किसी शक्ल देख ली शुरू से। ऐसे लोगों को आर्मी से ही नहीं देश से ही निकाल देना चाहिए। और इसी के साथ आर्मी एक्ट 34C के तहत 6 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। ये देखो आ गए देश के दुश्मन। भाई जी आप इन लोगों पे ध्यान ना दो। ये लोग नहीं जानते उस दिन क्या हुआ था, पर कोई जाने ना जाने वो रब सब जानता है कि कौन सही है और कौन गलत। ये क्या हो रहा है वीरे? कल तक जो लोग कहते थे कि हमें तुम पर गर्व है, आज वही लोग कह रहे हैं कि बाहर निकालो इसको देश से। देश में कायरों के लिए जगह नहीं है। एक बात बता, मेरी गलती क्या थी? बीरे, जो ना था वो हो गया। अब ये सब सोच के अपना दिल छोटा मत कर, पूरी जिंदगी बड़ी है आगे। क्या भूल जाऊं कि मैं भगोड़ा हूं? मेरे जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बीरे मेरा वो मतलब नहीं था। बीरे सोच लिया है मैंने, मैं लड़ूंगा। अपनी कहानी का डी एंड मैं इन लोगों को नहीं करने दूंगा। अब फैसला कोर्ट करेगी। अपने आप को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगा मैं। साथ रहोगे ना मेरे? अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मैं दलबीर सिंह से कुछ सवाल करना चाहूंगा। हाँ तो दलबीर सिंह जी, आप और गुलमेर सिंह कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां पर आतंकियों का हमला होते ही आप वहां से पीठ दिखाकर भाग गए थे। जी नहीं, मैं भागा नहीं था। तो क्या हुआ था बताइए सबको। जज साहब, आतंकियों से लड़ते समय मेरी AK-47 राइफल जाम हो गई, जिसकी वजह से मैं फायर नहीं कर पाया और सामने से सीधा गोली आकर मेरे पैर पर लगी। उसकी वजह से मेरे को पीछे जाना पड़ा और गिरकर मेरा सर पत्थर से टकरा गया। जी माय लॉर्ड, दलबीर सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये रही दलबीर सिंह की AK-47 राइफल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि दलबीर सिंह की AK-47 ब्लॉक हो गई थी। और यही नहीं, उनकी पिस्टल में भी रीलोडिंग की कमी पाई गई है। पर जज साहब मोहतरमा को ये पता होना चाहिए कि एक सैनिक जिसके लिए उसका देश ही सबसे पहले आता है, उसे जंग के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए।
पर जज साहब ये सरासर गलत इल्जाम है क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें दलबीर सिंह की कोई गलती नहीं थी। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक आर्मी वाले को अपने से छोटे ऑफिसर को कभी भी मैदान में छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहिए। तो जनाब आप मुझे ये बताइए अगर उसी आर्मी वाले की राइफल ही ब्लॉक हो जाए तो क्या अपने दुश्मनों को पत्थर फेंक कर मारेगा? पर एक आर्मी वाले को ये भी सिखाया जाता है कि उसके लिए उसका देश सबसे पहले आना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दिन दो ऑफिसर्स का शहीद होना ज्यादा बेहतर था? दलबीर सिंह और मैंने काफी मिशन में साथ में काम किया है और वो हमारे साथ कश्मीर में एक सीक्रेट ऑपरेशन पर भी जा चुके हैं और उन्हें किसी भी मिशन पर कभी कोई कायरता नहीं दिखाई और वो हर अवसर पर निर्भयता और वीरता से लड़े हैं। दलबीर जी ने हमेशा वीरता दिखाई है और कुछ साल पहले हम कश्मीर में उनके वजह से एक आतंकवादी संगठन को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए थे और 2004 में उनको वीरता के पुरस्कार से नवाजा गया है। आज अदालत ने दोनों ही पक्षों को गंभीरता से सुना है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत है। ये अदालत अगली तारीख तक स्थगित की जाती है। ये अदालत नहीं चाहती है कि इस केस में कहीं भी अन्याय हो, इसीलिए इस अदालत को अगली तारीख तक के लिए स्थगित किया जाता है। इस अदालत को अगली तारीख तक स्थगित किया जाता है। अदालत आज 2 जुलाई 2019 को सूबेदार दलबीर सिंह की केस के फैसले सुनाने जा रही है। इस केस में काफ़ी उतार चढ़ाव इस अदालत ने देखे हैं, उसको देखते हुए अदालत इस नतीजे पर आई है कि एक सैनिक सिर्फ अपने पिछले गौरव पर नहीं जी सकता है। सेना में कायरों और गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उनकी बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए उनकी 6 महीने की सज़ा को रद्द किया जाता है, लेकिन उनको पेंशन भी नहीं दी जाएगी। ओ रांझणा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है रांझे। मुझे माफ करना दलबीर जी, मैं आपको इंसाफ नहीं दिला पाई और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप माफी मत मांगिए, सारे सबूत मेरे पक्ष में होने के बाद भी जब मैं केस हार गया तो इसमें आपकी क्या गलती है? केस तो तुम जीत भी नहीं सकते थे दलबीर सिंह। तुम जैसे भगोड़ों के लिए हमारी आर्मी में जगह नहीं है। तुम जैसे भगोड़ों को तो देश से भी निकाल के फेंक देना चाहिए। सिर्फ 15 अगस्त पर आई लव माय इंडिया लिखने को देशभक्ति नहीं कहते साहब। अब एसी में सोने वाले और महंगी गाड़ियों में घूमने वाले हमें देशभक्ति सिखाएंगे? एक सैनिक जो 11 महीने अपने परिवार से दूर रहता है, जब वो सरहद पर जाता है तो उसे ये भी नहीं पता होता कि वो लौट कर आएगा भी या नहीं,
वो सैनिक ही होता है जिसकी वजह से सारा देश चैन से सोता है, उसे देशभक्ति ना सिखाओ साहब, जिसके दिल में तिरंगा रहता है। कभी सरहद पर आकर देखना साहब, गीली और पीली दोनों हो जाती है।